हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में, जिसमें आज हम देखने वाले बीकॉम का फर्स्ट ईयर का सिलेबस फॉर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जिसे शॉर्ट में BHU भी कहा जाता है। तो इस यूनिवर्सिटी में जो बीकॉम होता है, तो उसके फर्स्ट ईयर में कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे, इसी के बारे में आज हम जानने वाले। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, जो पहला सेमेस्टर होता है, सेकेंड सेमेस्टर फर्स्ट, तो वहाँ पे जो आपको सबसे पहले बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक का पार्ट वन आपको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। उसके बाद आता है बिजनेस इकोनॉमिक्स, तो जिसे माइक्रो इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है, तो ये भी आपको यहाँ पे सिखाया जाएगा। उसके बाद आता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इसका भी पार्ट वन होगा। उसके बाद आता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, ये भी सब्जेक्ट आपको पढ़ना पड़ता है। उसके बाद कम्युनिकेशन स्किल होता है, ये भी सब्जेक्ट होता है। और उसके बाद आता है फाउंडेशन कोर्स इन कॉमर्स, तो ये फर्स्ट सेमेस्टर में आपको ये सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। उसके बाद सेकंड सेमेस्टर में जो है आपको वहाँ पे बिजनेस लॉ ये सब्जेक्ट होगा। उसके बाद कॉस्ट अकाउंटिंग का पार्ट वन होगा। उसके बाद आता है कंपनी लॉ, तो ये भी सब्जेक्ट आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आता है कंप्यूटर एप्लीकेशन इन बिजनेस, ये भी सब्जेक्ट होता है। उसके बाद एनवायरमेंट स्टडीज होता है, तो ये सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं अगर आप जो है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से बीकॉम करते हैं। तो अगर इसके रिलेटेड कोई भी डाउट या क्वेश्चन होगा, तो आप कमेंट में मुझे पूछ सकते हो, वहाँ पे मैं हमेशा रिप्लाई देते रहता हूँ। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कर देना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।